फैशन जगत के सितारों ने आज हमीरपुर में चमक बढ़ाई है और हमीरपुर में APS अकादमी ऑफ प्रोफेशनल स्किल के वार्षिक उत्सव में हिस्सा लेने के लिए मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2018 संजना चौहान, बॉलीवुड एक्ट्रेस शानवी धीमान, मॉडल अदिता शर्मा ने शिरकत की। वार्षिक समारोह से पहले पत्रकारों से रूबरू होते हुए संजना चौहान ने मॉडलिंग में हिमाचल में काफी बढ़िया करियर होने की बात कही। मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2018 संजना चौहान का कहना है कि किसी भी फील्ड में जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मॉडलिंग में भी करियर बनाने के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। इसके साथ ही परिवार का सहयोग भी सभी के लिए बहुत जरूरी होता है। उन्होंने बताया कि पंजाबी फिल्मों के अलावा एल्बमों के भी ऑफर उन्हें आ रहे हैं और आने वाले दिनों में वे पर्दे पर जरूर दिखेंगी। I'm really honored and really happy to be the part of this event and looking forward for the evening. I am Mrs. India Universe 2018. I am coming from Jaipur and NIFD show. This show, upcoming new talent, youngsters are like bringing new ideas and the new generation really love the outfits, their creativity. And we field mein jayenge, mehnat aapko karna hi padta hai. So I have also worked hard. Aapko thoda apna speaking skills, thoda how you carry yourself. The way you talk, the way you work, everything you have to work. I'm working with Wow Foundation and like also we've done a lot of shows for this development of women. I also work for this Women Welfare Association, AFWA, which is run by Air Force ladies. So a lot of things do coming up, like for welfare of women, children. We do perform activities for cancer patients, blood donation camp. Also for animals also we keep doing and workshop for kids. So a lot of things. Lot more has to come in India because aap dekhi rahe hain cases, kaise kaise things are happening. So in India girls should be like protected and usse zyada we should treat our boys ki bhai you should respect your girls. So it's not that ki bhai ladkiyan mat niklo bahar 8 baje baad 9 baje baad. It should be like boys. It's your responsibility. You have to protect Indian girls. वहीं पंजाबी फिल्मों में काम कर रही शानवी धीमान का कहना है कि मॉडलिंग के क्षेत्र में लड़कियों को जरूर भाग्य आजमाना चाहिए। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में कलाकार रोशन प्रिंस के साथ बतौर अभिनेत्री पंजाबी फिल्म में दिखेंगी। उम्मीद आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम मॉडलिंग एंड उसके बाद मैं एक्टिंग लाइन में आई। I've done one Hindi film and after that I've done one Punjabi film. उसके बाद मैंने एक और पंजाबी फिल्म की है। It's coming in October, 26 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है with रोशन प्रिंस। And उम्मीद तो कुछ नहीं, अभी यही है कि I'm working hard और जो जो काम मिलता जा रहा है I'm doing that. पंजाबी फिल्म से हिंदी फिल्म से भी ऑफर। I've done one Hindi film. हाँ तो अभी एक और फिल्म करने जा रही हूँ, राजस्थान में है। वहाँ पर जो औरतों को बेच दिया जाता था, एक वहाँ पे मंडी लगती थी, उस प्रथा पे एक फिल्म बन रही है। तो दिस इज दैट इज़ अ फेस्टिवल फिल्म, तो आई एम डूइंग दैट। वो फिल्म भी कर रही हूँ, तो फेस्टिवल फिल्म कर रही हूँ। कमी तो कहीं भी नहीं होती है। आई थिंक टू मच स्कोप, सो मेनी गर्ल्स दे कमिंग फ्रॉम हिमाचल फॉर अ मॉडलिंग एंड फॉर अ एक्टिंग करियर। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी और स्पेशली हिमाचल आर वेरी प्रिटी और सब वो जहाँ भी जाती हैं तो अच्छा उनको स्कोप मिलता है। बट आई थिंक If you want to come in acting, want to stay in acting career, तो आपको acting बहुत आनी बहुत ज़रूरी है। उसमें modeling का कुछ नहीं concern हो सकता, because मैं भी जब modeling से मैंने acting start की है तो मुझे बहुत ज़्यादा patience रखनी पड़ी है, because modeling career और acting career both are different career, और आपको अगर stay करना acting career में तो you should know acting first. Thank you. हिमाचल के कांगड़ा जिला की अदिति शर्मा ने कहा कि मॉडलिंग के क्षेत्र में लड़कियों को मेहनत करने के साथ साथ आत्मविश्वास करने की भी जरूरत है, लेकिन इस क्षेत्र में अच्छा कैरियर बनाने के लिए मेहनत बहुत ही जरूरी है। आई हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया फॉर इट्स टूरिज्म एंड हेरिटेज इन सेंट्रल अफ्रीका अमंग 21 कंट्रीज। अमंग दैट आई एम प्रेजिडेंट ऑफ वुमेन इकोनॉमिक फॉर्म प्लस एन NGO that works for women empowerment, and I have done various things for campaigning, like campaigning, painting, different things for in interior areas of Himachal, like Sirmaur, you know, the district which is, you know, being extinct now.
सो मैंने उसके लिए बहुत काम किया है और मैं आगे भी यहाँ पे कांगड़ा में भी मैंने बहुत काम किया है वुमेंस के लिए. और मॉडलिंग लाइन में मैंने रैम शोज़ किए हैं, INFD के बहुत सारे शोज़ किए हैं. अभी रिसेंट शोज़ था इनका लुधियाना में, वो भी करके आई हूँ मैं. एंड देन आफ्टर दैट चंडीगढ़ वॉज दैट, एंड अभी हमारा यहाँ पे शो है हमीरपुर में. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. हाँ, शुरुआत में थोड़ी डिफिकल्टीज आती है बिकॉज रैम शो में आपको प्रॉपर पोज आना चाहिए, प्रॉपर रैम वॉक आनी चाहिए, उसके लिए आपको ग्रूमिंग की ज़रूरत है. आफ्टर दैट कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है आपको, आपको स्ट्रेटेजीज की ज़रूरत है. एंड देन जब आप ये सब चीज़ें सीख जाते हैं तो आपको इसमें अच्छा करियर बन सकता है. गौरतलब है कि हमीरपुर में फैशन के क्षेत्र से जुड़े हुए INFD के बैनर तले ही APS फैशन अकादमी काम कर रही है और छोटे कस्बों में भी फैशन को नया रंग देकर उन्हें एक मंच प्रदान कर रही है.